एक खबर हम आपको बता दें जी हाँ, गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर साइबर सिटी गुरुग्राम के भवानी इनक्लेव में दर्दनाक हादसा हो गया है। आपको बता दें कि 11,000 वोल्ट की बिजली की तार से करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सुबह 6:30 बजे हादसा हुआ है। आपको बता दें कि करंट लगने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल महिला जो है वो घर में शादी के लिए सफाई कर रही थी। आपको बता दें कि महिला की बेटी की शादी थी जिसके लिए महिला सफाई का काम कर रही थी और आज भी घर में कुछ शादी की रस्में होनी थी। आपको बता दें कि 15 जुलाई को बेटी की शादी थी तो वही मृतक महिला जो है वो बेटी की शादी के लिए सफाई का काम यहां पर कर रही थी। आपको बता दें कि 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई है तो वही मां को बचाने आए दो अन्य भी करंट लगने से झुलस गए जिन्हें गंभीर रूप में नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो गुरुग्राम से आ रही है जहां पर भवानी इनक्लेव में ये दर्दनाक हादसा हो गया है। दरअसल 11,000 वोल्ट की बिजली की तार से करंट लगने से महिला की मौत हो गई है तो वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि टंकी हटवाने को लेकर बहुत बार शिकायत की गई थी, बिजली विभाग से बार बार जो है शिकायत की जा रही थी लेकिन बिजली विभाग जो है वो बार बार पैसों की मांग कर रहा था जिसके चलते अब जो ये इतना बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में महिला की मौत हो गई है तो वहीं दो अन्य लोग जो है वो बिजली के करंट लगने से झुलस गए जिन्हें गंभीर हालत में नागरिक अस्पताल गुरुग्राम सेक्टर 10 लाया गया और यहां पर इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कि मृतक महिला की बेटी की 15 जुलाई को शादी होनी थी और इसी के चलते महिला जो है वो घर में सफाई का काम कर रही थी, आज भी कुछ रस्में जो है वो घर में होनी थी लेकिन इसी बीच ये बड़ा दर्दनाक हादसा यहाँ पर हो गया। आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम के भवानी इनक्लेव में 11,000 वोल्ट की बिजली की तार से करंट लगने से महिला की मौत हो गई तो वही मां को बचाने आए दो अन्य भी बुरी तरह से झुलस गए जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है।